रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमीरपुर में बजट को लेकर विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की। इस बार के बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमीरपुर में बजट को लेकर विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की। इस बार के बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। अनिल वर्मा ने कहा कि जयराम सरकार को केवल आंकड़ों का ही खेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जीडीपी बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सब कुछ महंगा है और खान पान से लेकर शिक्षा भी महंगी हुई है। कुल मिलाकर बजट में कुछ खास नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बजट वैसे ही हो रहा है जैसे ओले पड़ रहे हैं और फसल तबाह हो रही है। ये सब आंकड़ों का हेरफेर है। मतलब इसमें सिर्फ मतलब किसानों को, बागवानों को, पिछले वर्ग को, सबको लुभाने की कोशिश की गई है। प्रैक्टिकल सारी पुरानी जितने प्रोग्राम्स हैं उनको नई मतलब यानी कि पुराने शराब को उसी बूटों में डालने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों के जाल में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो जीडीपी बढ़ी है, उन्होंने बैग के ऊपर जो है आज तक कोई डिक्रीज नहीं करी। जो पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर स्टेट में सस्ते हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में महंगे हैं। शिक्षा क्षेत्र की मैं बात करूँ और शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की सारी फीसें बढ़ोतरी हुई है, उनके एडमिशन फी में बढ़ोतरी हुई है, उनकी जो एग्जामिनेशन फी है उनमें बढ़ोतरी हुई है, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें डिक्रीज हुई है, उस बजट में डिक्रीज हुई है। सीडोरिटी की सड़कों की हालत देख लो, अगर जो बजट में उन्होंने मैंशन किया है अगर वो यकीन अगर विकास के लिए लगे फिर तो ठीक है, लेकिन मंत्रियों की अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों के लिए, हेलीकॉप्टरों की सैर के लिए, मौज मेले के लिए, खिचड़ी के लिए अगर इसके ऊपर ही सदुपयोग किए जाए तो मेरे हिसाब से ये बजट जनता भी है, ये जनता के किसी भी हित में नहीं है, जनता का हित होने वाला नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार सरकार को पता ही नहीं है कि हमने क्या कर रहा है। उनको एक कैप्सूल की तरह दिल्ली से बन बना के दिल्ली आ जाती है और इसको यार हिमाचल को खिलाना चाहते हैं। जो दिल्ली वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ नहीं है। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर भू स्खलन है, बर्फबारी है, कई तरह की मुश्किलें, पहाड़ी लोग हैं हम, संस्कृति की विरासत में जो हमें मिली है उसकी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को क्या पता है कि हिमाचल प्रदेश के आमदनी की क्या होगी। ये तो सिर्फ मतलब इस तक सीमित है कि आंकड़ों के जाल में लोगों को बताया जाए कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। देश जा रहा है, देश में धार्मिक मुद्दों के ऊपर लेके ये जो हम गणमानस है उसका ध्यान बांटना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त से कम से कम 1.5 लाख के करीब अक्षरिक फोन आते हैं, उनके लिए पूरी जाते हैं, हर चौथी के लिए छाप रहे हैं कि आओ और रोजगार पाओ। जो पेंशनर जिसको 30-30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, 40 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, उसको 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी की पेशकश कर रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी है। मैं ये कानून कहूँगा कि जब सारा देश के जीवन में इस वक्त 1700 लोगों ने जीवन मेरे हिसाब से इस देश के लिए बलिदान दिया है और आज की डेट में भी सेवा निवृत्त और सेवा में हिमाचल प्रदेश का मुख्य हिस्सा जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, जो अपना बलिदान वहाँ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनके उनके परिवारों के लिए कुछ भी नहीं दिया। सुन रहा था आज इनका बजट मुख्यमंत्री ने देखा कि 45 साल की जो विधवे हैं उनके लिए हमने 30% सब्सिडी कर दी। सब्सिडी कहाँ से करोगे अगर उनके पास कैपिटल ही नहीं होगा। कैपिटल देंगे, कैपिटल की इतनी सब्सिडी देंगी, कैपिटल देंगे तो उनको कारोबार शुरू करना है। अगर कैपिटल नहीं होगा चाहिए तो यही कि यानी कि ऐसे जो भी परिवार हैं उनके लिए एक योजनाबद्ध तरीके के साथ कैपिटल का इंतजाम करके उसकी सब्सिडाइज करें। निजी कंपनी के कर्मचारी अनूप प्राशर ने जयराम सरकार के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में दूध के 2 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है जिससे पिछले बजटों से ये बजट बहुत ही बढ़िया है। आज जयराम जी ने तीसरी बार अपना बजट पेश किया है और इस शानदार बजट के लिए मैं जयराम जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बजट के मुख्य फासिट हैं।
सबसे बड़ी खासियत की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो दूध का 2 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, कि जो दूध का उत्पादन करने वाले लोग हैं उनसे अब 2 रुपया उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है किसानों के लिए और दूध का उत्पादन करने वालों के लिए। दूसरी जो है वो इन्होंने सैलरी में वृद्धि किया है, अपने आईटी में जो काम करते हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 10% की वृद्धि करी है। ऊपर से इन्होंने फिल्टरों और जलवाहकों की सैलरी में भी 300 रुपये और 500 रुपये की बढ़ोतरी करी है। कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। इन्होंने जिम शुरू करने की घोषणा करी है कि सरकारी महाविद्यालयों में वो जिम चलाएंगे ताकि लोगों को, बच्चों का जो है वो खेलों के प्रति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान बढ़े और वो नशे से दूर रहें। तो ये बहुत कुछ ऐसे निर्णय हैं जो सरकार ने बहुत शानदार लिए। युवा रजत का कहना है कि इस बार के बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगा है और राहत वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आईटी अध्यापकों, आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट में आंगनबाड़ी टीचरों के सर 500 रुपये बढ़ाए गए हैं, आईटी टीचर्स के सर 10% इंक्रीमेंट बढ़ाया गया है और इस बजट में किसानों को काफी राहत है। कुल मिला के कैसा बजट है? कुल मिला के सर थोड़ी राहत वाला बजट है, क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लागू है और टीचर्स की थोड़ी पे बढ़ी है। आंगनबाड़ी की 500 रुपये, वर्कर्स की 500 रुपये पे बढ़ी है, तो इसलिए ठीक बजट है, मतलब की राहत पूर्व बजट है। वरिष्ठ पत्रकार रविंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इस बजट में उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी लैपटॉप देने की घोषणा की है, जो कि सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद थी कि पत्रकारों को पेंशन बहाली के लिए बजट में घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पत्रकारों की दृष्टि से बजट जो है बहुत ही सराहनीय रहा और उपमंडल स्तर के पत्रकारों को इस बार जो है लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं और पहले जिला स्तर के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके लिए जयराम सरकार बधाई की पात्र है। इस बार उम्मीद थी कि पत्रकारों के जो हरियाणा और पंजाब की तरफ से पेंशन संरक्षण की जाती, लेकिन वो निर्णय अभी नहीं हो पाया है। तो हमारी उम्मीद है कि अगले बजट में जयराम सरकार इसको जरूर फैसला करेगी, इससे पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी फायदा है।